सत्ती ने कुठारखुर्द में पेयजल योजना का किया लोकार्पण, 1400 लोगों को मिलेगा लाभ। छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने रविवार को ग्राम पंचायत कुठारखुर्द में पेयजल योजना का लोकार्पण किया। 41 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस पेयजल योजना से कुठारखुर्द के अतिरिक्त रामपुर बेला व कुठार कला क्षेत्र की लगभग 1400 आबादी को लाभ मिलेगा। सत्यपाल सिंह सत्ती ने कहा कि सरकार जल जीवन मिशन के तहत जिला ऊना में हर घर में नल से जल की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। ऊना विधानसभा क्षेत्र में ही जल जीवन मिशन के तहत 15.88 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रगति पर है, जिनसे लोगों के पानी की उपलब्धता बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न योजनाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5.50 करोड़ रुपए खर्च कर स्थानीय निवासियों को 7,888 पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके उपरांत सत्ती ने ग्राम पंचायत कुठारखुर्द में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन के कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन के चारों ओर लगने वाली चार दीवारी लगाने और प्रांगण को विकसित करने पर 4 लाख रुपए की धनराशि व्यय की जा रही है। छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने लोगों को कोरोना महामारी के प्रति सजग रहने तथा काम करते समय उचित दूरी, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित करने का आह्वान किया ताकि इस कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के लक्षण होने पर छुपाए नहीं तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर डॉक्टर की सलाह लें ताकि समय रहते संक्रमण से बचा जा सके। नवंबर महीने में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के वर्चुअली अनेकों स्कीमों का उद्घाटन किया था, शिलान्यास किए थे। उसी कड़ी में आज इस ग्राम पंचायत की 41 लाख रुपए से बनी हुई वाटर सप्लाई स्कीम का जो उद्घाटन पट्टिका आर्थिक सहायता होगी उसको हम लोग ग्राम पंचायत को समय समय पर देते रहेंगे ताकि गांव का विकास हो सके। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ संवाददाता देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।